नूह जो इधर है, गुड़गांव इधर है, नूह में हिंसा शुरू हुई परसों, उसके बाद उसकी तपिश यहाँ तक महसूस की गई। गुड़गांव का यह सीमा है और ये पीछे बादशाहपुर गांव है जहाँ पर अब पुलिस लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ की एक दुकान को आग लगा दिया गया है जो कि नॉनवेज की थी, दाल रोटी बेचती थी और अपना परिवार वो मालिक चला रहा था। दुकानदार से हमारी बात हुई, उसने स्पष्ट कहा कि वो तकरीबन 6 साल से यहाँ पर दुकान चला रहा था और अब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने नूह में घटना सुनी उसके बाद उसके मालिक ने उसे कहा कि आप दुकान बंद कर दो क्योंकि माहौल ख़राब हो चुका है। माहौल ख़राब होने की बात के बाद तब तक पुलिस यहाँ पर नहीं थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पुलिस आई और अब आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगी हुई है, गाड़ियों को आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जो पुलिस है वो लगातार RF के टीम के साथ यहाँ पर घूम रही है, रूट मार्च कर रही है। अगल बगल की जो कबाड़ की दुकानें हैं, ये खाली प्लॉट था जहाँ पर दुकान ये चलाई जा रही थी, उसके बगल में एक ही होटल है वो अभी शुरू है, लेकिन इसके अलावा जो बगल वाली दुकान कबाड़ की दुकान थी और जो इलियास और हारून का जो होटल था वो जल चुका है, यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। ये हालांकि घटना के बाद बाकी लोग सब करीब चले गए हैं, लेकिन ये लोग अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनका तंदूर गर्म है और इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि कल जब यहाँ पर हालात थे तब ये लोग क्या कर रहे थे। अच्छा, आप कल थे यहाँ पर जब आए थे ये लोग, जो भीड़ आई थी जब? कल नहीं थे आप? अच्छा, कौन कौन थे? दुकान खुली थी ये जब आप लोग हैं? दुकान बंद थी? अच्छा, आपकी दुकान है ये? अच्छा, कल आपकी दुकान खुली थी? कल जब आए थे ये लोग, जब जलाने वलाने आए थे? नहीं, खुली थी आधी टाइम, तो 12 बजे तक खुली थी। अच्छा, उसके बाद आप क्या? बंद कर दी। अच्छा, आपको मतलब महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है? हाँ, चक्कर क्योंकि ये पास में थोड़ी दुकान चली हुई थी, हमने सोचा मैंने हमारी भी नहीं, चक्कर हमने थोड़ा फट डाल के हमने अपना बंद कर दिया। अच्छा, ये आपका होटल कब से है यहाँ पर? मेरे 1 साल हो गए करीबन आज। बगल वाली जब दुकान फूकी थी तब आप लोग चले गए थे घर? नहीं, हम यहाँ नहीं थे, हम भाग गए थे, छोड़ गए, एक्साइड हम पे नहीं हमला हो जाए हमारे होटल में, इसलिए हम चले गए थे यहाँ के, क्योंकि ये राजस्थानी नाम से ढाबा है हमारा, तो उसने हिंदू समझ के छोड़ दिया। अच्छा, हिंदू को समझ करके छोड़ दिया। और ये बगल वाला जो होटल था वो कब से था और किसका था? वो काफी टाइम से, एक को करीबन 7 साल हो गई, एक को करीबन इसको 1 साल होने आ गई, 1-2 साल। क्या नाम था इनका? ये होटल ये पता नहीं है, पर ये मोमडन थे। अच्छा, जो भीड़ आई थी ये कितने लोग रहे होंगे? नारे आरे लगा रहे थे, क्या कर रहे थे? ये तो हमारे यहाँ भीड़ बस वही आई थी, करीबन 100-150 आदमी होंगे, नारे फारी तो हमको पता नहीं है क्योंकि हम यहाँ से है नहीं, तो चले गए थे नारे, हमको हमारे लगाए कि नहीं लगाए, भीड़ तो हमने देखी थी। अब लग रहा है कि अभी खतरा है आप क्योंकि अब तो यहाँ पर हैं, आपने दुकान खोल ली, अब आपको डर लग रहा है या खतरा है? आपको लग रहा है कि ठीक है अब? ठीक है, कोई खतरा ना, शाम को खतरा था क्योंकि हमारे पास काफ़ी पुलिस घूम रही थी, हमारे पास काफ़ी टाइम पर हर मिनट पर 10 मिनट पर आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं, बोला कि आप होटल चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया तरह। अच्छा, अब ठीक है अब? अच्छा, तो आपके अगल बगल पुलिस लगी हुई है, अब आप लग रहा है कि अब ठीक है माहौल, अभी अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान का हूँ, धौलपुर। अच्छा, आप ही का होटल है? हाँ। तो ये पड़ोस की दुकान है, राजस्थान होटल के नाम से, राजस्थान के रहने वाले हैं, इस दुकान को ये चला रहे हैं। कल हालांकि जब ये घटना हुई थी उसके बाद ये यहाँ से चले गए थे कि इनको अंदेशा था कि हो सकता है कहीं इनकी दुकान में भी हमला ना हो जाए, तो इसीलिए दुकान समेट करके ये जल्दी चले गए थे, लेकिन बगल की दुकान ये जल गई। हालांकि अब पुलिस ने इनको आश्वासन दिया है कि अब ऐसी घटना नहीं होगी क्योंकि अब अगल बगल पुलिस लगा दी गई है और अब कोई चिंता की ऐसी बात नहीं है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ बादशाहपुर, 1 इंडिया हिंदी।